I'm all ready to go. Hi you guys, how are you? I hope well and good. Because you know what, that is the most important thing that matters. आज मैं जा रही हूँ Minerva Academy में, तो I'll make a vlog of it. बाहर गाने की आवाज़ आ रही है, I'm sorry about that, but my niece is listening to songs, so I can't help it. Yeah, so we are going to Minerva Academy. I'll show you everything around and सब दिखाऊंगी क्या है वहाँ क्या नहीं. I'll try and cover everything and I hope it's good and I hope it's fun for you. But don't forget to like this video, subscribe to my channel and hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you. गाइज आई एम फाइनली इन दी अकेडमी. तो मैं तुमको सब कुछ दिखाने वाली हूँ, इधर क्या होने वाला है क्या नहीं, कौन से ट्रेनिंग ग्राउंड हैं, क्या चीज़ है, सारी फैसिलिटीज़ के बारे में आई लेट यू नो. एंड आई हैव गौरव सर हियर विद मी एंड ही इज गोइंग टू लाइक हेल्प अस आउट एंड टेल अस एवरीथिंग, बिकॉज ऑब्वियसली इवन आई एम न्यू हियर एंड वी गेट टू नो एवरीथिंग. लेट्स जस्ट गो. हिमाचल लीग होने वाला है तो उसके यहाँ पे इधर ट्रायल्स चल रहे हैं एंड दिस इज़ द बास्केटबॉल कोर्ट जस्ट फॉर फन यू नो. एंड देन राइट नाउ गौरव वाज टेलिंग मी दैट यहाँ पे देयर इज अ इंस्टीट्यूशन वी हैव कॉल्ड पॉज वेयर वी हैव अराउंड 70 डॉग्स. दे हैव लाइक 17 डॉग्स एंड मेरे को एक्चुअली में डर 70 70 सो इट्स 70 डॉग्स एंड मेरे को लिटरली डर लगता है डॉग्स से, सो आई एम नॉट गोइंग नियर देम. सो दीज आर द रेस्क्यू डॉग्स एंड वहाँ पे वो डॉग्स हैं उधर एंड इधर यू कैन सी द केजेस एज वेल. भाई मैं तो बाहर नहीं जा रही हूँ आसपास कहीं पे भी. यू कैन सी द 70 डॉग्स यू मैन 70 दैट्स ह्यूज. मेनी पीपल आर देयर इन द एकेडमी राइट नाउ? अराउंड 350 पीपल आर देयर इन द एकेडमी हु हैव फूड एंड प्ले फुटबॉल. तो वो यही रहते हैं, दिस इज अ रेजिडेंशियल एकेडमी राइट? यस. तो यहीं पे रहना, यहीं पे खाना, एवरीथिंग लाइक इज हियर एंड दे ट्रेन एवरी डे. तो प्रॉपर फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड गाइस, इमेजिन दैट्स सो कूल. एंड इट्स इन पंजाब. तो ना ये पूरा स्कूल है इधर बच्चों के लिए, जो भी यहाँ पे आते हैं रहते हैं, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है ऑब्वियसली. तो ये पढ़ाई के लिए ये पूरा यहाँ पे इनके लिए क्लासेस होती हैं इधर. एंड हम उधर थे एंड राइट नाउ दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ Minerva Academy एंड वी आर जस्ट गोइंग इन. Minerva सुपर लीग होने वाला है तो 18 से शुरू होगा गाइस, तो यहाँ पे वो टूर्नामेंट खेला जाएगा. दैट्स क्वाइट कूल. तो यहाँ पे आप 11 a side ही खेलते हैं ना? हाँ नॉर्मली, बट Minerva सुपर लीग इज 7 a side. ऑलराइट. एंड देयर आर 8 टीम्स, ईस्ट बंगाल फैंस क्लब, मोहन बगान फैंस क्लब, बार्सिलोना फैंस क्लब, अरे दैट्स मैड्रिड फैंस क्लब. लिवरपूल है क्या? लिवरपूल नहीं है, अरे वी विल सून ऐड इट इन द नेक्स्ट. यू शुड, यू नो यू शुड, यू नीड टू ऐड लिवरपूल. सो वी हैव गॉट अ फैन राइट नाउ. या नाउ वी विल ऐड इट. मम्मी कैसा लग रहा है? वेरी गुड. और राइट, सो गाइस हम शुरू करने वाले हैं मेस से. सो दिस इज द मेस लाइक यू कैन सी. एंड लाइक आई मेंशन कि यहाँ पे खाना पीना सब कुछ इधर ही है एंड इट लुक्स रियली गुड. आई जस्ट कवर एवरीथिंग. वेट, शैल वी गो? My mother reminded me that I should cover this as well. Just look at these, yeah. So ye sare academy ke hi trophies hain. Wow. Just look at that there as well. Let's TT khelein kya? Find everything here. So that is a volleyball and badminton court. So wo volleyball ke liye bhi hai sabko, matlab are table soccer bhi hai udhar, foosball table. Exactly. I can play foosball chahe main waise football na khel pao. But at least that I can do. Going to the big field right now, जहाँ पे सारे main matches, मतलब पूरा drama वहाँ होता होगा, तो that will be fun. Let's go.
बाय द वे वो वाला देखा था ना सबने, वो सीरियल था रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, वैसा वाला फीलिंग नहीं आ रहा आगे। जस्ट लुक एट दिस, आई जस्ट टेक यू, जस्ट लुक, ये देख लीजिए, ये सीरियस वालों के लिए है एंड देयर पीपल स्टार्टिंग योर, आई थिंक आई शुड बी क्वाइट। तो यहाँ पे देखो कितना सुंदर बना हुआ है यार, ये सारा उन एनडीए सीडीएस वालों के लिए ये बना हुआ है प्रॉपर। ये हॉस्टल्स हैं क्या? इतना ग्रीनरी में रह रहे हैं भाई, अलग ही फील आ रहा है इधर। सी मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना कहीं कसौली वगैरह में हूँ हिमाचल में। वो यहाँ पे रहते हैं एंड दिस इज द व्यू दैट दे हैव, जस्ट लुक एट दिस मैन। आई विल टेक यू टू द पेड कैंटीन गाइस, जस्ट लुक एट दिस। अरे सस्ता है यार, सही है। और ये अभी ना पूरा आई थिंक बनेगा, पूरा फील बनेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? इन 1.5 month दिस वुड बी रेडी। ये वाला फील 1.5 month में रेडी हो जाएगा लाइक आई मेंशन बिफोर। और वो पीछे तुमको जो दिख रहा है वो बिग फील्ड है, वो काफी बड़ा है। एंड जस्ट लुक एट द व्यू हियर, वाओ। आई रियली वांटेड टू आस्क यू कि क्या बच्चे एक बार एकेडमी में आ जाते हैं, आर दे अलाउड टू गो आउट? नॉट रियली फॉर द कोविड रेगुलेशंस, दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट राइट नाउ, वी आर इन अ बबल। वैसे अगर कोविड का नहीं होता तो बच्चे अलाउड है क्या बाहर जाना? हाँ मतलब कुछ देर के लिए, देयर इज अ टाइम इन द इवनिंग ऑन संडेस व्हेन दे कैन गो आउट। वीकडेज पे नहीं जा सकते? नहीं, वीकडेज पे दे आर, दे हैव देयर ट्रेनिंग्स इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट गो आउट, दे आर सो टायर्ड। तो ये ट्रेनिंग कितने टाइम का होता है? ये ट्रेनिंग जनरली सुबह होती है, सुबह अराउंड 6 इन द मॉर्निंग दे स्टार्ट। And the school students after that go to the school, okay. And once they come back, lunch, and then 2-3 hours of rest or analysis sessions, I mean classroom session, and then they have another practice, okay. And then coaching sessions. So guys, अगर तुमको लग रहा है easy है, easy अगर तुमको लग रहा है एक player बनना, it's really. Not. Not really. No. You have to put your effort. यार ऐसा easy नहीं होगा. And we really stress on your fitness. So if you don't have a good fitness, you're not. नहीं होना भाई, फिटनेस का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई अगर तुमको लग रहा है कि बहुत ईजी है प्लेयर बनना, नहीं है, लेकिन चांस है। चांस इसलिए है कि यू गेट सच फैसिलिटीज हियर एज वेल, क्योंकि हमको लगता है कि यार कहाँ पे हमको वो फैसिलिटीज। द एटमॉस्फेयर इज लाइक यू कम हियर एंड यू ट्रेन विद एवरीबॉडी एंड यू गेट टू द बेस्ट। I'm telling you guys, it's very positive here and actually mein मन होता है खेलने का, मेरा खुद मन हो रहा है, मुझे नहीं आता है खेलना, बट मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं भी खेलूं। let's see. I'm taking you to the big field now, okay? Punjab League चल रहा है guys, under 17 का, और ये last game है आज, और उनका match होने वाला है इधर। यहाँ पे ध्यान से आते हैं, कहीं पता चले मैं गिरूँ नीचे। Fun fact is, मैं football training एक academy में आई हूँ, heels पहन के, imagine. It's going to be very difficult for me, but it's okay. We hustle. That's what we do. Hi guys. Hi. तो आप कौन से क्लास में हैं? Oh, sixth class students, right? तो आप Minerva Academy में कब join किया तुमने? Oh, 2021. हाँ. 2021. हाँ. आप कहाँ से हैं? मणिपुर. सारे मणिपुर से हैं. तो सारे मणिपुर से हैं. कैसा लग रहा है पंजाब? अच्छा है. अच्छा है. आप कौन से position पे खेलते हैं? मैं ये विंडर. तुमको जिसके साथ लगाना लगाओ, इधर वी हैव सादियो माने और मे बी लुइस डियाज, व्होएवर यू वांट टू कॉल इट। तो हु इज योर फेवरेट प्लेयर? मेसी। फेवरेट प्लेयर मेसी? मेसी टीम गाइस। मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह इज द फेवरेट प्लेयर यो गाइज, कम ऑन, मोहम्मद सलाह का भी नाम है इधर, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं गाइज जो सिर्फ पंजाब से नहीं हैं, ऑल ओवर इंडिया से हैं, श्रीलंका से हैं, नेपाल से हैं। यार अगर ऐसे फैसिलिटीज मिल रहे हो तो होता ही है, एंड दैट्स रियली गुड यार, रियली नाइस। सो इन लोगों का मैच है गाइज, आर यू गाइज कॉन्फिडेंट जीत जाओगे? यस। वेयर आर यू फ्रॉम? असम। भाई साहब नॉट बैड यार। Let's go to the opponent team, guys. ये ज़्यादा मज़ा आता है, it'll be spicy enough for us to see what they are doing. Let's see what strategy they have for the match. Hi, hello, hi. So, आप सब prepare हो match के लिए? जीत जाएंगे? हम लोग मतलब हमारा। हाँ. So यार देखते हैं कि होता है आज, it'll be quite fun. तो सब दी preparation बढ़िया? All right, all the best, all the best. There are around 350 people in the hostel and छोटे छोटे बच्चे भी हैं इधर,
और मैं जब हॉस्टल गई थी आई वॉज इन क्लास सेवन्थ और सबको लगता था यार कहाँ इतना भेज दिया इतना दूर, लेकिन देखो यार सारे बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं यार हॉस्टल्स में. I'll show you a talent. They can do Rubik's, solve Rubik's cubes. Just look at that. Oh, bhai. It's not good. हमारे घर वाले हमको दिला देते थे लेकिन किया कभी कुछ नहीं. Look at that man. See, Rubik's cube टूट गया है but mentality है वहाँ पे solve करने का. Just look at this. Hi. Hello. आप कौन से क्लास में हो? One. They are in first class, guys, and they live here in hostel. My God. क्या कौन से position पे खेलते हो? Defense. Just भाई defense देखो. Defender ऐसे center backs हमारे बेचारे. आप कौन से position पे? Goalkeeper. Oh. कहाँ से हो? Kolkata. Kolkata. आप भी? Oh यार parents ने कैसे छोड़ दिया? सही में parents ने कहाँ से छोड़ दिए इतने छोटे छोटे बच्चों को? Just look at that. The future is bright, guys. The future is really bright. Everybody is coming in now to the field. Right. The whole academy will come here and there would be a home atmosphere. They will cheer them. Arre, that's so good. The home atmosphere होने वाला है. Home में match है since. Sir, I wanted to ask you, अगर ये बच्चों को मतलब घर पे contact करना है, तो what do they do? So they are given phones. और इनको मोबाइल्स वगैरह अलाउड हैं क्या? सबको अलाउड नहीं है. बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको हम अलाउ नहीं करते ताकि वो फोकस कर पाए अपने गेम पे. एंड सो उनको एक घंटा दिया जाता है अपना फोन टू कॉन्टेक्ट विद द पेरेंट्स. जो बड़े हैं छोटे सबको सबको ही ओके सबको. एंड these guys the school kids have their phone obviously okay. and their laptops to study and work with okay but the kids under 12 under 13 under 14 and under 10s are not allowed. They are actually allowed keypad phones from the past so that they can't have internet and their minds are not diverted. Oh that's nice. You know even I was in hostel to humko wahan pe letters likhna allowed tha to hum letters likhte the ghar pe guys exactly. aur mere sare letters mamma ne na bundle mein rakhe hue hain to when I read that it's quite funny to be honest. I'll show you someday. We are going to meet the manager of under 17 Minerva Academy right? Yes. Manager of our under 17. Hello. So he is the team manager of under 17. So team ka preparation kaisa hai? It's going good. So you'll be watching it. We'll win it na. Yeah, sure. We'll win it. We're going to win it, guys. Yeah. It's going to be a good one. Yeah. All the best to you, sir. Aap concentrate kijiye. Hum aapko phir milenge. So he is the head of the physio department. And kaisa hai sir idhar pura? यहाँ बहुत कुछ अच्छा है और हम लोग काफी बड़े लेवल पे यहाँ काम कर रहे हैं. हमारे वो एक्चुअली में विजिबल बहुत अच्छा विजिबल है. साथ में हम यहाँ इंजरीज पे फोकस कर रहे हैं काफी डीप लेवल पे. तो कई बच्चों को नॉकनीज है, फ्लैट फुट है, छोटे ही बच्चे जो अंडर 9 अंडर 12 के हैं. तो अभी से उनका इंजरी प्रिवेंशन कर रहे हैं, उनके बायोमैकेनिक्स को क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं. हमने मिनर्वा से ही अप टू 25 इंटरनेशनल फिजियोज भी दिए हैं. हमारे पास से कम 8 से 10 नेशनल लेवल के SNC कोच गए हुए हैं. एंड नाउ वी स्टार्टेड द स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन सेंटर हियर. तो इंडिया में जो प्लेयर इंजर्ड हैं, जो डैमेज पड़े हुए हैं, जो अपना गेम छोड़ चुके हैं इंजरी के कारण, मैं कहूँगा कि आप मिनर्वा आइए, अपना असेसमेंट दीजिए और अपनी इंजरीज को ठीक करिए और जल्द से जल्द गेम में वापस आइए. मिनर्वा इस चीज़ पे काम कर रहा है और रंजीत बजाज का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है. चाहे वो यहाँ पे कोई छोटा एम्प्लॉय हो, चाहे प्लेयर हो, चाहे बड़ा बंदा हो, यहाँ सारे एक हैं, सब इक्वल हैं. तो यहाँ पे एक टीम वर्क है और बहुत अच्छे लेवल पे हम यहाँ काम करते हैं. दैट इज सो गुड सर, थैंक यू सो मच. इट वाज रियली गुड टू मीट यू. या मेरा बड़ा मन कर रहा है मैं एकेडमी ज्वाइन कर लूँ. आई एम टू लेट. आई जस्ट टेक यू टू द ट्रेनिंग सेशन. वहाँ पे पूरा वार्म अप चल रहा है. द सेम थिंग लाइक आई वॉन्टेड थियागो नहीं इंजर हो गया था, याद है तुमको, कैरेबाओ कप के फाइनल में अगेंस्ट चेल्सी. सो दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, द वार्मिंग अप सेशन. इज द टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ मिनर्वा, हेड कोच ऑफ मिनर्वा. हेलो सर. हेलो. सो द सीनियर टीम, ही इज द कोच ऑफ गुरप्रीत सिंह संधू एंड ऑल दीस गाइस, मनवीर सिंह, अनिरुद्ध थापा. थैंक यू फॉर गिविंग सर जेम्स टू इंडिया. तो कैसा लग रहा है सर मिनर्वा में, क्या लगता है फ्यूचर कैसा है इंडिया का? सो मिनर्वा आई हैव सीन इट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू डेवलप. ऑलराइट. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट दे व्हेन द मिनर्वा they started participating in the I League. Okay. So I'm with the Minerva. Wow. From 2015 when Mr. Ranjit Bajaj, he had a great vision. So when you have a leader like him, so definitely what you and very positive, positive that, yeah. And you can think that yes, things can happen, because I've seen this club growing from that small field to now we got 3 fields. Yeah. And the number of participants for age groups and the titles which they have won and everything, which is
helpful for country. He wants to do that. That's so good. And so that, I wish that we see India in the World Cup. I hope that happens. And yeah, there's a long way to go. But yahan pe jaise conditions hain, guys, dekhe jitna negative humko lagta hai kabhi kabhi dekhe ki nothing is happening. And why shall we watch Indian football? I think uske hisab se things are changing and they're changing for good. Kyunki maine aaj apni aankhon se dekha hai. So you have to come out and you have to see. Absolutely. Jaise hum ghar mein baithe rahenge, nahi yaar, wo to galat hai, wo theek nahi hai, ye nahi. Exactly. With you, you have to feel that. The change you see, ek baar tumko aake dekhna padega. Bahut aisa nahi hone. एक ही दिन में हम बारसा के साथ कंपीट कर रहे हैं बट देन द चेंजेस आर हैपनिंग इट विल टेक टाइम एंड दैट्स नेचुरल बट थैंक यू सो मच सर गुड मीटिंग यू आप कौन से पोजीशन पे खेलते हैं आई एम प्लेइंग एज अ सेंटर बैक योर फेवरेट सेंटर बैक माय सर्जियो रामोस ओह आई थॉट यू विल से वर्जिल वैन डाइक ही इज आल्सो बट आई लव सर्जियो रामोस ओके ओके सो व्हिच इज द क्लब यू सपोर्ट रियल मैड्रिड रियल मैड्रिड तो अभी रियल मैड्रिड पीएसजी का मैच देखा होगा यस मैम हैड फन इन दैट ओके सो व्हाट इज योर एम बेसिकली वेयर डू यू वांट टू गो I want to play in Europe. Oh, that's so good. So, yahan pe agar India ke liye you get a chance to play, to kaun se club ke liye you would like to play? I want to play for Bangalore FC. Bangalore FC, why is that? Because there are great players like Sunil Chhetri and many Gurpreet Singh Sandhu. Yeah. All right, that's great. That's great. I think Mumbai is getting bored. So this is Manav from Nepal. How are you? So which position do you play? I'm a striker. You're a striker. Who's your favorite striker? Lewandowski, not bad. So second favorite striker? Haaland. Are you? Not bad, not bad. Serious. 1, 2, 3. Vienna. Guys, अभी हम जा रहे हैं खाना खाने क्योंकि ना भूख लग गई यार. पता नहीं क्या मेरे को तो ना 24 घंटे भूख लगती रहती है मेस में खाना ऐसा गरम गरम बन रहा था ना है ना उसी समय भूख लग गई थी हम लोगों को कि यार खा ले लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते ना कि यार मतलब पहली आपने सारी ठूस लो तो मैं ना कोई बात नहीं पहले थोड़ा कवर करेंगे फिर आके खाएंगे सो दैट वाज अ गुड डिसीजन नाउ वी आर गोइंग टू ईट समथिंग आई विल शो यू द फूड वेट इट्स नॉट दाल इट्स चना चावल एंड दही एंड मम्मा इज हैविंग सैलड एंड ऑल एंड सब्जी एंड एवरीथिंग आउट ढंग से खाया पिया तुम्हें खाना कैसा था वेरी गुड अच्छी अच्छी लगी अरे दही बहुत मेरे को दही अच्छी लगी मम्मा को खट्टी लगी लेकिन मेरे को अच्छी लगी इट वॉज रियली नाइस चने बहुत अच्छे थे हाँ चने भी बहुत अच्छे रोटी के साथ खाए तो बहुत अच्छा लगा हम तो फुल हैं अभी मैच शुरू हो चुका है मैच के बीच में मुझे भूख लग गई दैट्स व्हाई आई कांट बी अ प्लेयर आई थिंक अभी हम जा रहे हैं मैच कवर करने थोड़ा सा मैच कवर करेंगे देन आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज दैट मिनर्वा हैज एंड प्रोवाइड्स दैट विल बी फन आई विल टेक यू टू द ऑडिटोरियम ऑल्सो सो जस्ट लुक एट दिस दे हैव द न्यूज़पेपर स्टैंड हियर दिस इज द ऑडिटोरियम वेट आई विल शो यू I don't know if I can sit into it or not, but that look really kiddish. Guys, वहाँ ना उस साइड पूरा वो ऑब्स्टेकल्स टाइप्स है वो जो होता नहीं है ट्रेनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है आई विल टेक यू देयर अभी वहाँ पे कोई ट्रेन नहीं कर रहा है क्योंकि सब वहाँ मैच देख रहे हैं उधर लाइक आई टोल्ड यू यहाँ पे रात तक नहीं हूँ तो जितना टाइम है उतने में आई कैन कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल ट्राई एंड कवर तुम लोगों को मज़ा आएगा ठीक है मैं बता रही हूँ मज़ा आएगा यार मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है लुक एट दिस टाइगर लीप बहुत फनी से कवर कर रही हूँ मैं हाँ दिस इज अ टाइगर लीप लुक एट दिस टायर लूप ये प्रॉपर पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड है यहाँ पे देखिए कैसे देखिए करके बात कर रही हूँ मैं बट एनी हाउ यू गेट द जिस्ट ऑफ इट ना इट्स क्वाइट कूल यार
आई हैड लाइक टू थ्री क्वेश्चंस. तो ऐसा था, मैंने अभी खाना खाया मेस में, इट वॉज रियली गुड. आई वॉन्टेड टू आस्क यू, तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो होता है, तो सिंस दे ऑल आर प्लेयर्स, तो इनके लिए क्या कोई एक्स्ट्रा डाइट भी आप लोग रखते हो? वी एक्चुअली प्रोवाइड एथलेटिक डाइट फॉर द प्लेयर्स, एंड मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में केले, दूध एंड ब्रेड्स दिए जाते हैं. एंड इन द आफ्टरनून यू आल्सो सॉ वन डे इज अ काइंड ऑफ Chinese we have, अच्छा. That is out of the box. Otherwise, generally we तो have. Evening में भी कुछ मतलब ऐसा snacks वगैरह कुछ होता है क्या? Evening में नहीं, generally we have early dinner. Oh. So generally 7:38 से चालू हो जाता है dinner. Okay. तो it's a snack cum dinner. Ah, okay, okay, all right. So I wanted to know that about the diet and also अगर किसी को apply करना हो Minerva में, हाँ. तो how can they do that? It's very simple. You can come on to Instagram, Minerva Academy, and you can type a message that I want to join, and directly comes to us. Wow. And we generally route it to the team who takes care of admissions and all. It happens in one day because we reply literally very early. Early. Five, 6 hours mein reply mil jayega aapko. And it's very systematic, the admission process. If you want to join, just drop a text. And also I wanted to know, क्या कोई session होता है क्या कि अभी admissions open है या फिर पूरा time ही कभी भी join कर सकते हैं? Every 5 days we have camp dates. So for now 20th is the first date of camp, and then we have 25th also there is a camp date. Okay. So every 5 days the camp date starts. So okay. You can join on those days. You can directly come here and join as well. Okay. But you have to carry your RT-PCR report. In that case, otherwise you can contact us, we can have a conversation over the call, and then you can get sure of what you want. Because there are details whether you want to do a 6 months course, a 1 year course, or a 3 months course. So once the details are sorted, you can be ready and you can come. So means they can like join any time, because 5 day ke baad agar camp hota hai तो वो तो बहुत इजी है, कभी भी ज्वाइन कर सकता है. इट्स प्रीटी एक्सेसिबल एंड एनीबॉडी कैन ज्वाइन, बिकॉज़ फुटबॉल के लिए हमें लगता है कि इतना कम अपॉर्चुनिटीज है टू बिकम अ फुटबॉलर दैट वी शुड गिव मोर देन 100%. दैट्स राइट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. या रियली कूल. सो गाइस, यू गॉट टू नो कि कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, क्योंकि मुझे किसी ने चैनल पे पूछा था जब मैंने रंजीत सर के साथ इंटरव्यू किया था कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं. सो आई होप दैट क्वेश्चन इज आंसर्ड. लेट्स गो, अभी तुमको और भी फैसिलिटीज़ दिखाना बाकी है. अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल देखने. मैं गिरने वाली हूँ आज, मैं बता रही हूँ. एक आधी हड्डी टूटेगी मेरी, वो भी बिना खेले. दैट्स गोइंग टू हैपन. तो ये ओके, दैट्स सो गुड. अरे आई नो अनवर अली, आई नो जर्मनप्रीत सिंह, ही इज प्लेइंग फॉर हैदराबाद FC. अनिरुद्ध थापा चेन्नईयन FC. या जैक्सन सिंह, आई नो मनवीर सिंह, आई नो केरला ब्लास्टर्स. या दैट्स सो गुड. या देखो ये सारा इधर है. गर्मी में तो काफ़ी लोग मतलब सब लोग आ ही जाते होंगे. ओके, यू हैव दीज सेशंस. वहाँ चेंजिंग रूम्स वगैरह होंगे क्या? ये हॉस्टल्स हैं क्या? प्लेयर्स रूम्स. ओके, so this is the gym. Have the CEO right now, and so whatever you wanted to tell, I would love. So I just wanted to add this dimension that this center is basically one of the, I mean, center which is accredited with the Khelo India also. This is a Khelo India center as well, accredited with Government of India thing. And as well, apart from that, we have got this center in the coaching segment also.
So we are preparing coaches, the fleet of coaches basically, which I believe that we are seriously lacking in some good coaches, and we are trying our level best to put our best foot forward in the same thing. So right now we are conducting licenses basically, which are affiliated with this Asian Football Confederation in consonance with All India Football Federation. So this is one of the center in India, I would say one of the premier center basically. We have already hosted 10 D-license courses probably, and now a couple of C-licenses also. And in next month, we are due to host B-license as well. Wow. So apart from, the making career basically for the player side, we are making a career out of coaches also here. So that is the kind of thing we are doing. Thank you. That is so cool, guys. Baki sab cheezon mein jo tumne dekha, this is another facility that you can get here. And we don't know how to eat this. Kaise khayenge? Just look at this. How to eat this? This is a dosa, to be honest. ये देखो आजकल के बच्चे, मैं 4 बजे से उठी हुई हूँ और ये थकी पड़ी है. गिरूगा पक्की गाता है. I'm back home. हम लोग 9 बजे चले थे सुबह और अभी 6 बजे हैं शाम को, and I'm actually very exhausted. मैं थक गई थी कार में, तो I had slept कि बस हो गया, अब मेरा बहुत हो गया. But I had so much fun today, seriously. I didn't expect a lot many things going into it. I thought that ठीक है, मतलब normal academy होगा and all, but the facilities provided by Minerva, I feel that it's really very good. मुझे actually में बहुत surprising लगा कि हम भी इतने effort डाल रहे हैं to produce good quality players, and हर बंदे के एफर्ट दिख रहे थे. एवरीबडी हैड अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले एंड दे डिड इट वेरी नाइसली. एंड यू नो व्हेन यू गो टू द एकेडमी, जैसे ही तुम एंट्री करते हो, तुमको एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आएगा. मेरे को तो एकदम हॉस्टल टाइप्स फील आ रहा था कि यार मैं वापस हॉस्टल चली गई हूँ अपने. तो मज़ा बहुत आया मुझे, सीरियसली. आई थॉट दैट आई स्पेंड मोर टाइम, बट आई हैड टू कम होम अर्ली बिकॉज मैं यहाँ पे संगरूर में अपने होम टाउन में सिर्फ कुछ 4-5 दिन के लिए आई हूँ. देन आई हैव टू गो बैक. सो घर पे भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वरना डांट पड़ेगी कि आई क्यों है. तो इसीलिए फिर थोड़ा वो भी था. एंड यू नो व्हाट, दे गेव मी दिस टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड ऑल. तो मैं तुमको वो दिखाऊंगी, वैसे तुमने स्टार्टिंग में भी देख लिया होगा, बट आई जस्ट ब्रिंग दैट हियर. ओके, एक मिनट रुको. दे गेव मी दिस मिनर्वा का बैग. ओह माय गॉड, इट्स ह्यूज. एंड इसमें मैं कुछ भी पैक कर सकती हूँ, वैसे बहुत सही है, रियली गुड बैग, एंड पूरा मिनर्वा का है. एंड अंदर सरप्राइज गुडीज थे मेरे लिए. आई गॉट दीज 2 जर्सीज मिनर्वा के, एंड रियली नाइस. आज तुमने देखा होगा वीडियो में भी, जिस जर्सी में जो टीम खेल रही थी अंडर 17, दे वर वेयरिंग दिस जर्सी एंड आई गॉट दिस वन. सी इट्स नाइस. मेरी और कलेक्शन में एक और जर्सी होगी, ब्लू वाली काफ़ी कम है, सो दैट्स नाइस. एंड दे गिव मी दिस अनदर जर्सी एज वेल. वेट रुको, इट्स दिस. दिस इज द सेकेंड जर्सी दैट दे गिव मी मिनर्वा अकेडमी. थैंक यू सो मच. यहाँ बड़ा मज़ा आया मुझे, मिनर्वा ने इतने अच्छे से होस्ट किया मुझे, यू नो, मतलब दे ऑल वर सो नाइस एंड हम्बल, एंड आई कांट इवन टेल यू हाउ गुड इट वॉज टू मीट एवरी बडी ऑफ देम. बाय द वे, सॉरी टू कट यू ऑफ, माई नीस हैड कम और वो देख. हाँ, तो ऐसा था, हमने बहुत, मैंने बहुत मज़ा किया वहाँ पे. आई एम नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग लाइक आई मैंशन बिफोर. तो बहुत अच्छे हम्बल लोग हैं, चुप, बहुत हम्बल लोग हैं वहाँ पे, एंड इट वॉज रियली फन. सो जो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है, वट एवर क्वेश्चन दैट यू कुड हैव रिलेटेड टू मिनर्वा, मैंने वो सारे कवर किए हैं. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लाइक द एफर्ट दैट पुट बिहाइंड चुप यू लाइक द एफर्ट पुट बिहाइंड दी अकेडमी एज वेल, एंड इट वॉज रियली रियली गुड. ओ हेलो, आई होप दैट, इसको मैं छोड़ के आऊँगी अभी, इसको मैं छोड़ के आऊँगी अभी. माशा फिर तरह तर तो गाइज प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर हिट दैट बेल आइकन सी नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी. आई होप यू लाइक दिस वन, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट मारा है इसमें, और सब ने जिन्होंने ये वीडियो
पॉसिबल होने में हेल्प करवाया है। रंजीत सर हमको नहीं मिल पाए बिकॉज एक सीनियर टीम का मैच था फाइनल का, तो वो उसमें गए हुए थे एंड दैट्स व्हाई ही कुडंट मीट अस, बट देन इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। कुछ चीज़ें थोड़ी ऐसी अधूरी रहनी चाहिए सो दैट देयर इज अ नेक्स्ट टाइम एज वेल। एंड दैट्स इट, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर हिट दैट बेल आई कैन सी नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू शुड नमस्ते करते, नमस्ते। ऑलराइट, बाय।